पुकार सुनेगा, नमः शिवाय, तभी तो भगवान तेरी पुकार सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। माँ, तुम यहाँ भी चली आई, पर क्यों? यही कहने कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं, यहाँ काशी में भी उनका वास है और कैलाश में भी वे ही विद्यमान है। चल पुत्र, घर चल, वहाँ चलकर शिव की आराधना भी करना और अपनी उपस्थिति से मेरे मन को शांत भी करना। माँ, यदि भगवान शिव सर्वव्यापी है तो तुम भी तो सर्वविद्यमान हो, कहाँ नहीं हो तुम? ये जग तुम पर ही तो टिका हुआ है, यहाँ से मुझे ले जाने की अपेक्षा तुम भी भगवान शिव का स्मरण करो, इससे हम दोनों का कल्याण होगा। बैठो माँ, बैठो। तुम्हें आकाश के ग्रहलोक में जाकर स्थित होना होगा। आकाश के ग्रहलोक में? हे शिव शंकर, मेरी कथा सुनो और मेरी व्यथा जानो। ये जिस दिन से उत्पन्न हुआ है, उस दिन से आज तक मैं इसे मिल नहीं पाई हूँ। आपके द्वारा प्रदत्त यह पुत्र बालपन से आपकी आराधना में प्रवृत्त हो गया। जब इसकी आयु मुझे माँ कहकर पुकारने, मेरे मन को ममत्व से आंदोलित करने, मेरे वात्सल्य प्रेम को उभारने और उसे अभिव्यक्ति करने का मार्ग देने की थी, उस दिन भी वो आपका नाम स्मरण कर रहा था और आज भी आपका जाप करता है। इसे मेरे पुत्र होने का सुख भले ही प्राप्त हुआ होगा, किंतु मुझे इसकी मां होने का सुख आज तक नहीं मिला। इसने कहा था आपके दर्शन का लाभ होने के पश्चात यह मुझे माँ का स्थान अवश्य देगा, किंतु उससे पहले तो आप इसे आकाश के ग्रह लोक में स्थान देने के इच्छुक हैं। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी भगवन? मेरा क्या होगा? पुत्र के होते हुए भी मैं निपुत्र रहूंगी। शांत हो जाओ धरणी, शांत हो जाओ। सत्य तो यह है कि मंगल ने ग्रह मंडल में स्थान प्राप्त करने हेतु ही मेरे स्वेच्छ से जन्म लिया है। उसका निश्चित स्थान आकाश में स्थित ग्रह मंडल में ही है। भगवान, यदि इसके जन्म का हेतु यही था तो आपने इसे पुत्र के रूप में मुझे प्रदान कर
मेरे मन को ममत्व से क्यों जागृत किया? कहां जाए युवा पुत्र की वह मां जिसका ममत्व निरुत्तर है? देवी, तुम्हें इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। जगत तुम्हें सहनशीला और क्षमाशीला मानता है। तुम शालीनता की प्रतिमूर्ति हो। भूमि, अचला, धरणी आदि संबोधनों से भी जगत तुम्हारा सम्मान करता है। जगत की संपूर्ण नारी जाति के लिए तुम एक अनूठा आदर्श हो। दुख और पीड़ा देने वाले के प्रति भी तुम दयावान, क्षमावान और धैर्यवान रहती हो। ऐसे विराट गुण और आदर्श से पूर्ण होकर भी तुम पुत्र वियोग से विचलित हो रही हो। यह स्थिति तुम्हारे गुण और धर्म से सर्वथा विपरीत है। आपकी कृपा से सब कुछ हूं भगवान, फिर भी मां हूं, मां। चिंता ना करो देवी, मंगल तुमसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सदा तुम्हारी आंखों के सम्मुख रहकर रक्तवर्णी ग्रह के रूप में अपना लाल प्रकाश फैलाता रहेगा। मैं सदा नन्हे बालक की भांति तुम्हारी परिक्रमा करते हुए तुम्हारे पुत्र होने का कर्तव्य निभाता रहूंगा। तुम सदा मेरी समीपता का अनुभव करोगी, उसी प्रकार जैसे मां पुत्र के सामीप्य का अनुभव करती है।